इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भूषण शर्मा ब्लॉग। आज हमारे दादरी में खाटू श्याम जी का प्रोग्राम है, हम वहीं चल के मिलते हैं आपसे। चलो चलते हैं, वहाँ पे फार्म हाउस में चलता है। अभी हम आ गए हैं खाटू श्याम जी के प्रोग्राम में, बहुत प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, बहुत भीड़ है। भेज दिया बोले खाटू जा, मेरे बाबा ने जब मेरा काम बनाया तो तेरा भी बनाएगा। हारे का सहारा कहते हैं हम हमारे महाराज को। मैं भी जग से हार के आया। कौन कौन देगा अपना हाथ बाबा के हाथ में, उठा लो, फागुन का महीना है, आज पकड़ लेगा दोनों हाथ उठाकर और झूम कर कहोगे बाबा से के बाबा देता हर दम सावरे, तुम्हारे का सहारा, देता हर दम सावरे, तुम्हारे का सहारा। मैं भी जग से हार के आया, हर दम सावरे, तुम्हारे का सहारा। Thank you.
हर हर्ष जमाने ने दिए कितने ही आधार, कितने ही आधार। मैं भी जग से ओ मैं भी जग से, और बार बार कहने पर भी जब बाबा ने हाथ नहीं पकड़ा तो प्रेमी ने दोनों हाथ उठाकर क्या कहा, दोनों हाथ उठाकर के बाबा साथी हमारा, कौन तुम ना सुनोगे तो कौन, तुम ना सुनोगे तो किस किस को विश्वास है सुनता है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। आज आपको एक महामंत्र बताकर जा रहा हूं, ये चार लाइनें जो गा रहा हूं और गवा रहा हूं याद होगी और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा एक कागज पर लिख लेना। जीवन में कभी बड़े से बड़ा संकट आ जाए, सब कुछ नजर आना बंद हो जाए, सोचना बंद कर देना, और आधी रात को खाटू अगर ना जा पाओ तो मत जाना, अपने घर के मंदिर में एक दिया जलाना और दिल से सिर्फ तीन बार बोलना, बोल हारे के सहारे की, बोल हारे के सहारे की, बोल हारे के सहारे की। और सिर्फ ये चार लाइनें बाबा को सुना देना कि बाबा आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। कौन कौन सुनाएगा अपने दिल की बात बाबा को, उठाओ ना हाथ, उठाओ, ताली बजाओ। सबसे जोर से संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम ताली बजाओ, ताली बजाओ। प्रेमी ने कहा बोले ठाकुर अपनों को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, है वैसा अपनों को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कुछ मिला, आपने अपनी बहन को बना दिया, अपने भाई को बना दिया, अपने रिश्तेदार को बना दिया, बोले वो तो दुनिया करती है, मैंने आपके बारे में सुना है अब हारे के हारे। और आप कभी भी भेदभाव नहीं करते बाबा, ताली बजाओ ना, कहना तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते, हमेशा धर्मी आते, आज पापी है आया शाम का है घबरा, कितने पापी हैं हाथ उठाओ, हैं कलयुग के पापी हम, दोनों हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे, हम हैं कलयुग के पापी, पर हम जानते हैं बाबा वासुदेव ने आपको हम जैसे पापियों के लिए ही तो भेजा है ना। ताली बजाओ, ताली बजा कर। अरे हमने सुना है तेरी नजर में सब है एक समान, इसका पता तो आज चलेगा, इसका पता तो आज चलेगा, ओ इसका पता तो आज चलेगा, इसका पता तो आज चलेगा। तुम ना, तुम ना सुनो, और मुझे इस भजन की सबसे सुंदर पंक्ति लगती है, सबसे सुंदर पंक्ति हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ये 10 मिनट मैंने सच कहूं, ये 10 मिनट सिर्फ आपके लिए गा रहा हूं, गाली बजा कर। जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, हो एक नजर कृपा डालो मानूंगा एहसान, एक नजर कृपा की डालो मानूंगा एहसान,
चलेगा हमारा कैसे चलेगा, वो संकट हमारा कैसे चलेगा संकट हमारा कैसे चलेगा, तुम ना हो तुम ना सुनो हो साथी हमारा हो साथी हमारा तुम ना सुनोगे तो अब तुम ना सुनो। पुलिस प्रशासन का भी हम धन्यवाद करते हैं जो सहयोग कर रहे हैं और जो अपने आप खड़े हैं वो बैठ जाएं अपने आप। अच्छा एक जयकारे के लिए बोल रहे थे, एक बार जयकारा सबका भी आए, दोनों हाथ उठाइयो, जिनके हाथ खाली है उठा लो, जिनके हाथ ठीक है उठा लो, भाई हाथ खराब हो तो कैसे उठेंगे, उठाओ दोनों हाथ सीधे और जयकारा मुंह से बोलना है गर्दन नहीं लानी, दोनों हाथ उठा करके बोले खाटू नरेश की जियो मेरे लाल जियो। एक बार ताली बजाओ सारे, देखो जोरदार ताली। आइए कुछ और हाजरियां, क्योंकि ये अनुभव बोलता है, ये भक्ति का अनुभव बोलता है, ये कीर्तन का अनुभव बोलता है, वाकई मुकेश के लिए ताली बजती है, बजा दो हौसला बढ़ाओगे तो और जोर लगा करके भाव से गाएंगे। मुकेश बागड़ा आइए, मास्टर श्री भगवान दीक्षित सोनीपत हरियाणा, वंस अगेन हैंड ओवर टू मुकेश बागड़ा। बस ठीक है, बोलिए सांचे दरबार की, बोलिए रखदातार की। कहते हैं साहब इस दरबार में ऐसी कौन सी खास बात है जो इस देव को बाकी देवों से अलग करती है और जो इस दरबार को बाकी दरबार से अलग करती है। एक ये बिटिया है कौन गुम हो गया, इसका भाई अनमोल रतन गुम हो गया, लेकिन गुम नहीं होया बेटा यही मिलेगा रोमन है ना। और मेरी एक और प्रार्थना है, कईयों का कीमती सामान भी गुम होगा, कईयों के पर्स मोबाइल घड़ी कुछ ऐसे तत्व भी आ जाते हैं जो इस चक्कर में रहते हैं कब क्या अपना काम करूं। सावधान इंडिया, और सबसे ज्यादा जरूरी कीमती अनमोल, जैसे इसका भाई अनमोल है आपके अनमोल रतन भाई, अनमोल जहां भी हो आ जा। क्या नाम है तुम्हारा? छवि मिश्रा, रो रही है आंसू बह रही है, जल्दी आ जा आ जा। बोलिए सांचे दरबार की। कहते हैं ये वो दरबार जहां तकदीरें बदलती हैं साहब, दुनिया कहती है वक्त से पहले तकदीर से ज्यादा नहीं मिलता, पर मैंने कलयुग में एक दरबार देखा जहां वक्त से पहले भी लोगों को लेते देखा और तकदीर से ज्यादा भी लेते देखा। ये सच है। आओ फागुन का महीना है, मस्ती भरा भजन है, अगर विश्वास है दृढ़ तो आज मिलकर कहना कि बाबा अब डंका बजेगा घर घर में, अभी तो शुरुआत है साहब, एक दिन वो आएगा सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी धरती पर श्याम नाम का झंडा लहराएगा और बहुत जल्द वो दिन आएगा। हारे का सहारा है ये, कहो कि अब डंका बजेगा घर घर, अब डंका बजेगा घर घर में, अब
इसका झंडा लहराएगा जो लिख देगा मेरा सांवरिया उसे कोई बदल ना पाएगा जो देख ले उसे कोई इसे उसे कोई बदल ना पाएगा अब डंका बज गए हैं 12 बाजार भी सारा बंद पड़ा है और ये खाटू श्याम जी का जो प्रोग्राम चल रहा है भगवान खाटू श्याम जी का उसके उसमें रोड पे डेकोरेशन हो रही है लाइटों से आपको दिखाई दे रही होगी ये प्रोग्राम जो राजे फार्म हाउस में चल रहा है और मैं और ऋतिक भाई हैं दोनों एक साथ हैं हम चल रहे हैं आराम आराम से आपसे घर चल के मिलते हैं अब अगर जो आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग।